इस मामले में सिंगर का मामला जो है दब गया, तो क्या आप कहती हैं, मतलब क्या ये बाय डिज़ाइन है या हो गया ऐसा? डेफिनेटली सर, बाय डिज़ाइन ही है, क्योंकि पहले अगर बाय डिज़ाइन ना होता तो जब ये उस लड़की ने जब रिपोर्ट दर्ज कराई थी सिंगर के खिलाफ, तो सिंगर को तो तभी पकड़ा जाता। इतने साल नहीं, दो साल नहीं लगते सिंगर को पकड़ने में और सिंगर के ऊपर केस साबित करने में। उस लड़की का परिवार ख़त्म नहीं होता ये सब करने में, और उसके बाद जब वो पकड़ा गया है, सब कुछ साबित हो गया, उसके बाद भी उसे सज़ा क्या मिली है? उम्र कैद की। क्यों उसको फांसी की सज़ा नहीं मिली? उसने ना सिर्फ उस लड़की का रेप किया है, बल्कि उसके बाप को कस्टडी में मरवाया, उसके बाद उसकी पूरी की पूरी फैमिली को उसने ख़त्म कराने की कोशिश करी, जिसमें से काफ़ी सारे लोग मर भी चुके हैं। तो क्यों उसको फांसी की सज़ा नहीं हुई? ऑफकोर्स सेंगर और चिन्माया जैसे लोगों को ही बचाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। हमारी इकोनॉमी के जो हमारे देश में हर बार यही चलता आता है, कोई भी देश से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनको दबा दिया जाता है, या तो हिंदू मुस्लिम करके या भारत पाकिस्तान करके। इस बार भी शायद यही हुआ है कि देश की जीडीपी इतनी गिर गई है, अर्थव्यवस्था इतनी गिर गई है। इसीलिए आप ये बताइए, अभी इतना बड़ा केस हुआ था प्रियंका रेड्डी वाला, जो जिसके लिए स्वाति मालीवाल बैठी थी राजघाट पे, उसको उनको पूछा भी नहीं किसी ने, क्योंकि एक नया मुद्दा शुरू हो गया। रेप का मुद्दा जो इतना अहम मुद्दा था वो सारा का सारा दब गया। इकोनॉमी का मुद्दा इतना अहम मुद्दा है वो दब गया। तो बेसिकली ये सब होता है इसीलिए कि जो अहम मुद्दे हैं वो सारे के सारे दब जाए। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो था, इशू था, नेशनल इशू था उनका, क्या नाम है, सिंगर को जो सजा हुई जी, तो उस पर कुछ रिएक्शन नहीं आया मीडिया का? नहीं, मीडिया का भी नहीं आया, मोदी जी का भी नहीं आया। आप लोग ये कह रहे हैं कि सिंगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक था और निष्कासित कर दिया गया, लेकिन लोगों ने ये नहीं पूछा कि सिंगर आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी कार्यकर्ता था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई भी ऐसा प्रेस रिलीज नहीं जारी किया गया कि जिसमें सिंगर को निष्कासित किया गया या निलंबित किया गया। तो भले ही बीजेपी का अभी विधायक ना हो, लेकिन वो आरएसएस का कार्यकर्ता जरूर है। तो जाहिर सी बात है कि आसाराम बापू, सिरसा वाले गुरमीत राम रहीम, चिन्मयानंद, सिंगर, ये जितने लोग हैं कौन सी विचारधारा से आ रहे हैं, ये लोगों को समझना पड़ेगा। मनुस्मृति रेप को जस्टिफाई करता है, और ये लोग मनुस्मृति के उपासक हैं, उसके पूजने वाले लोग हैं, तो डेफिनेटली इस तरीके की हरकतें होंगी। और मीडिया तो नहीं बोलेगा, मीडिया बिल्कुल नहीं बोलेगा, क्योंकि मीडिया तो शामिल है उस अपराध में। मीडिया पर तो इसके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस चलना चाहिए, और जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं उन पर भी रेप का मुकदमा चलना चाहिए।